वेलकम बैक गाइज आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे वॉट आर अल्टरनेट्स फॉर स्विच केस इन पाइथन अगर आपने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस पढ़ी है तो आपको स्विच केस के बारे में पता होगा सी सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में स्विच एक कीवर्ड है एंड स्विच केस का एक सिंटैक्स होता है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस मीन्स ये पाइथन के इफ़ एलिफ एल्स की तरह है पाइथन में आपने इफ़ एलिफ एल्स का यूज किया है फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस अब पाइथन में स्विच कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है पाइथन में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था बिफोर वर्जन 3.10 लेकिन वर्जन 3.10 में एक मैच कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया इनशीड ऑफ स्विच सो स्विच केस की जगह पर पाइथन में आया मैच केस ये मैच केस इस स्विच केस की तरह ही काम करता है एंड यही नहीं पाइथन में बहुत सारे अल्टरनेट्स है फॉर दिस स्विच के स्टेटमेंट चलिए उन अल्टरनेट्स के बारे में बात करते हैं सो so, पहला अल्टरनेटिव बाय यूजिंग डिक्शनरी मैपिंग सेकंड अल्टरनेटिव बाय यूजिंग इफ एल इफ़ एल्स एंड थर्ड अल्टरनेटिव इज बाई यूजिंग मैच केस इस मैच केस को आप पाइथन 3.10 के बाद के वर्जनस में ही यूज़ कर सकते हैं ये 3.9 में आपको नहीं मिलेगा सो थ्री पॉइंट में मैच कीवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता ये सिंटैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस केस में आपके पास बचते हैं ये दो अल्टरनेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग और फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस आगे बढ़ने से पहले स्विच केस का वर्किंग समझते थ्रू दिस सी प्रोग्राम सिंटैक्स आपको शायद समझ में नहीं आएगा अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं पता है तो लेकिन अगर आपने पाइथन ट्यूटोरियल फॉलो किया है तो आपको लॉजिक इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे स्विच कीवर्ड है एंड पैरेंथिस के अंदर ऑपरेशन पास किया है अब ऑपरेशन क्या है ऑपरेशन एक वेरिएबल है जो यूजर इनपुट स्टोर करता है यहाँ से यूजर एक ऑपरेटर एंटर करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑपरेटर अगर प्लस ऑपरेटर यूजर एंटर करता है तो यहां पे मैच किया जाएगा सो so, मैच किया जाएगा यहां पे इस केस के साथ दिस इज अ मैचिंग ऑपरेंड यहां पे वैल्यू एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए मीन सपोज आप टू एंटर करते हैं एंड यहां पे कोड्स में टू लिखते तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है यहाँ पे एंटर्ड ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर इस प्लस ऑपरेटर को यहाँ पे मैच मिलेगा एंड इसके अंदर जो इंडेंटेड कोड है ये कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है ये ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड डायरेक्टली कंट्रोल बाहर लेके जाता है ऑफ दिस स्विच सपोज यूजर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर एंटर करता है तो यहाँ पे मैच नहीं मिलेगा सो तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे भी मैच नहीं मिलेगा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ पे मैच मिल गया ये कोड एग्जीक्यूट होगा ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा ये स्विच एंड कंट्रोल बाहर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके रिस्पेक्टिव तो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन ब्रेक किया जाएगा सबसे पहले बात करते फर्स्ट अल्टरनेट के बारे में बाय यूजिंग डिक्शनरी मैपिंग मैं यूजर से नेम इनपुट लूंगा कंसिडर यूजर राज एंटर करता है राज के जितने भी मार्क्स होंगे वो मार्क्स मुझे रिटर्न करने प्रिंट करवाने हैं तो मैचिंग होगा यहाँ पे राज इस नेम का विथ इज मार्क्स तो सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ दिस इज द डिक्शनरी मैपिंग जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर्स रखे सो की इज द नेम एंड देन मार्क्स राज के इतने मार्क्स है जय के इतने मार्क्स है अक्षय के इतने मार्क्स है इस डिक्शनरी को मैं पुट करता हूँ इनसाइड अ फंक्शन सो एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ देन मार्क्स यूजर से मैं नेम इनपुट लूंगा एज अ पैरामीटर देन कोलन तो ये हो गया हमारा फंक्शन सपोज इस फंक्शन को कॉल करते वक्त सो so मार्क्स को मैंने कॉल दिया एंड यूजर एंटर करता है राज इस राज को आप इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से डायरेक्टली मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ एंटर द नेम यूजर सपोज राज एंटर करता है तो राज पास होगा इस नेम में राज के जितने भी मार्क्स हैं नाइन्टी वन यहाँ पर मैंने मैपिंग करके रखा है जस्ट लाइक मैच केस और स्विच केस उसको मैं रिटर्न कर दूँ अब राज के मार्क्स को मुझे रिटर्न करना है रिटर्न कीवर्ड गेट इस मेथड का मैं यूज़ कर सकता हूँ मैपिंग डॉट गेट आई होप आपने मेरा पाइथन ट्यूटोरियल देखा है सबसे पहले हम पास करेंगे की जिससे हमें मैच करना है सो तो हमें नेम मैच करना है सपोज so यहां पे राज आता है तो राज के मार्क्स को रिटर्न किया जाएगा रिटर्न करने के बाद मैं इसे प्रिंट कर लेता हूं प्रिंट इट रन द नेम सपोज मैं राज एंटर करता हूं हियर यू विल सी 91 मैं फिर से रन करता हूं अब मैं शंतनु एंटर करता हूँ हियर यू विल सी 90 क्लियर द स्क्रीन अब मैं ऐसा नेम एंटर करता हूं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है रन इट एंड आई एम एंटरिंग राजू इट इज नॉट प्रेजेंट तो इसने नन रिटर्न कर दिया आप यहाँ पे दूसरा मैसेज भी लिख सकते कि डज नॉट एग्जिस्ट इसके लिए आपको आना है गेट मेथर में एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपको वो मैसेज लिखना है हियर स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नन होती है अगर आप रन करेंगे विद द राजू अगेन विच इज़ नॉट प्रजेंट इन अवर मैपिंग डिक्शनरी स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट दूसरा तरीका है बाय यूजिंग इफ़ एल एल्स इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इस वीडियो का सिंपल है हमने स्टूडेंट से मार्क्स इनपुट लिए अकॉर्डिंग टू द मार्क्स हम यहाँ पे ग्रेड असाइन करेंगे ग्रेड प्रिंट करेंगे सपोज़ यूज़र एटी एंड हंड्रेड के बीच में एंटर करता है मार्क्स तो प्रिंट हो जाएगा यू गॉट ग्रेड ए जब यह कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा ये एग्जीक्यूट होगा एंड तुरंत ही कंट्रोल बाहर आ जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन नंबर ट्वेल्व और थर्टीन लेट्स कंसिडर यहाँ पे स्टूडेंट सिक्सटी टू मार्क्स एंटर करता है सो so मार्क्स में आ जाएगा सिक्सटी टू सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बिकॉज सिक्सटी टू डजेंट लाई इन बिटवीन एटी टू हंड्रेड कंडीशन फॉल्स देन नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी क्या ये सिक्सटी से ग्रेटर है एंड एटी से लेस है कंडीशन इज सैटिस्फाइड ट्रू होने के बाद इसका रिस्पेक्टिव कोड एग्जीक्यूट किया जाएगा प्रिंट हो जाएगा यू गॉट ग्रेड बी एंड तुरंत ये इफ एल्स का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा अगर सारे कंडीशन हो जाते हैं तो एल्स एग्जीक्यूट होता है अब बात करते हैं तीसरे मेथड के बारे में मैच केस अगर आपका पाइथन का वर्जन ओल्डर है लेस देन 3.10 तो आप मैच केस का यूज नहीं कर सकते इट इज यूज्ड इन 3.10 एंड लेटर वर्जन पे मैं यूजर से इनपुट लेता हूं एंटर द चॉइस सो ये एक इंटेजर वैल्यू रहेगी मैं इसे टाइप कास्ट करता हूं इंटेजर में एंड असाइन टू द वेरिएबल चॉइस सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है मैच हम लिखते मैच के बाद आपको वैल्यू लिखनी है जिसके साथ आपको मैच करवाना है तो मुझे इसे मैच करवाना है सो मैच चॉइस तो अब चॉइस की वैल्यू लेट्स कंसिडर यूजर टू एंटर करता है तो यहां पे केस कीवर्ड के साथ मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो केस वन सपोज यूजर वन एंटर करता है कंट्रोल जाएगा एंड कोड एग्जीक्यूट होगा एंड तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा यहां पे एक्सप्लीसिटली ब्रेक कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है पाइथन में देन केस टू देन कोड बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन आपको नहीं मिलता है थ्री कोड एंड लास्ट में कंडीशन होती है डिफॉल्ट दिस इज जस्ट लाइक एल्स अगर ये सारे मैचेस फॉल्स हो गए तो डिफॉल्ट कंडीशन में जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा सो so यहां पे मैं कुछ प्रिंट्स लिख देता हूं सो प्रिंट हियर डिफॉल्ट में प्रिंट रीडायरेक्ट टू होम अगर कुछ भी एंटर नहीं करता है तो इस केस में उसे वेबसाइट के होम पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा एक जस्ट एडिशन यहाँ पे भी आपको केस लिखना है केस डिफॉल्ट एंड नाउ रन इट इट विल वर्क एंटर द चॉइस सपोज मैं टू एंटर करता हूँ रिडायरेक्ट टू द इन्फो पेज टू के लिए इन्फो पेज है क्लियर करके मैं फिर से रन करता हूँ एम एंटरिंग थ्री रिडायरेक्ट टू द कॉन्टैक्ट पेज मैं फिर से रन करता हूँ नाउ आई एम एंटरिंग सिक्स इसके लिए रिडायरेक्ट टू होम और आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनवैलिड चॉइस एक्सप्लिसिटली आपको ब्रेक की वर्ड यहां पर लिखने की जरूरत नहीं जैसे हमने सी एंड सी प्लस प्लस के कोड में देखा अब क्या यह डिफॉल्ट कंडीशन ऑप्शनल है एक बार इसे रिमूव करके देखते रन इट आई एम एंटरिंग फाइव एंड यू विल सी इट इज ऑप्शनल अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा यहां पे आप ही नहीं कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं पाइथन की आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ए बी अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ एंड एज अ चॉइस मैं ए बी देता हूँ बट प्रॉब्लम आ जाएगा कि इसे इंटेजर में कैसे कन्वर्ट करेगा पाइथन इंटरपिटर ये मैं जस्ट रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे मैं एक लिस्ट लिख देता हूँ एंड यहाँ पे आई विल एंटर सम वैल्यू सी डी ओके एंड इसे ईवेल में रख देता हूँ ताकि कुछ भी डेटा टाइप आए ये पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट होना चाहिए क्लियर इट एंड रन इट अगेन एंटर द चॉइस सपोज मैं ए बी एंटर करता हूँ ए बी एंटर अब प्रॉब्लम ये है कि इसे एक नेम की तरह ट्रीट किया जा रहा है मैं फिर से क्लियर करता हूँ एंड रन करता हूँ बाय पुटिंग इन साइड कोट्स एंड हेयर यू विल सी रीडायरेक्ट टू द लॉग इन पेज यहाँ पे मैच हो गया अब मैं लिस्ट एंटर करता हूँ वन कामा टू कामा थ्री यहाँ पे मैच होगा रिडायरेक्ट टू इन्फो पेज तो इस तरीके से मैच केस पाइथन में काम करता है आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा विल सी यू नेक्स्ट टाइम